एक दो बातें बहुत जरूरी कहना चाहती हूँ और अपने प्यारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा के सामने ये बात रखना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, मरियम नवाज शरीफ कोई तजर्बा गाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। खैबर पख्तूनख्वा वालों, ये कोई तजर्बा गाह नहीं है, जो आज भी चलती का में जलती ज्यादा है। दोस्तों, आजकल पाकिस्तानी अवाम की मौजे हैं क्योंकि ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शन कम और सर्कस का तमाशा ज्यादा लग रहे हैं। अवाम चावलों के एक एक डब्बे के लिए गधे को भी अबू बोल रही है। हर बंदा बिरयानी लेने से पहले मियां साहब को सलाम करता है और फिर खाने के बाद लानत भेजकर वहां से ऐसे भागता है जैसे गधे के सर से सींग। बात तो सही है। और इनके इलेक्शंस की वजह से बेचारे परवेज खटक की सेहत और भी कमजोर होती जा रही है। दोस्तों, ज्यादातर अवाम तो परवेज खटक के जलसे में इसलिए जाती है ताकि वो अपने बच्चों को ताकीद कर सके कि अगर वो सही से खाना नहीं खाएंगे तो सेहत कुछ ऐसी हो सकती है। और हमारी पाकिस्तानी अवाम के भी क्या ही कहने हैं, अगर इन्हें सुअर किसी खेत में मिलता है तो डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और अगर वही सुअर गाड़ी में बैठकर आता है तो उसे सर पर उठा लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सियासतदानों की कुछ ऐसी ही मजाहिया वीडियोस दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर यकीनन आपका दिन बहुत ज्यादा खुशगवार गुजरेगा। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। दोस्तों, आजकल बिलावल जानी हर तरह की आसाइशें देने के दावे कर रहे हैं, कभी बिजली फ्री करने का लालच तो कभी KFC। सुबह हुकूमत भी आपका, KFC भी आपका, वफाक भी आपका, और जब वफाक सुबह और KFC मिलके चलेगा तो आप देखें कि हम कराची को कहां से कहां पहुंचाएंगे। चुप कर बे कुत्ते। दोस्तों, आपने वो मिसाल तो सुनी ही होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अब इस वीडियो में इस बंदर के काम चेक करें जो चोरों की सियासत में रहकर खुद भी चोर बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका या किसी दीगर मुल्क में अगर कोई सियासतदान चोरी करता है लेकिन पाकिस्तान में उसे गैबी मदद कहा जाता है। अल्लाह बहुत से घर हैं, आपकी जायदाद, आपकी जमीन वगैरह। कोई जमीन नहीं। अच्छा, तो जरिया माश क्या है? जरिया माश अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। अच्छा, मैं भी गैबी मदद की दुआ कर लूँ फिर। दोस्तों, कुछ भी हो जाए लेकिन मरियम बाजी अपने जलसे पर इमरान खान का नाम लेने से बाज नहीं आती। अब आप इसे हवस कह सकते हैं या ठरक, आपकी अपनी मर्जी है। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? कंट्रोल, कंट्रोल। तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था, तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। दोस्तों, लाइव टीवी पर चित्रौल भी किसी किसी को नसीब होती है। अब जैसे कि इस वीडियो में मियां जवेद लतीफ साहब को ये शरफ हासिल हो रहा है। इज्जत के निकाह का फैसला मैं पूछूं, इलेक्शन कंपेनी चल रही है भाई, इज्जत के निकाह का फैसला करा लो जल्दी जल्दी, 190 पाउंड का फैसला करा लो, हमारे पे से इल्जाम दो मदद के इल्जाम का। भट्टी साहब, ये क्या हो रहा है आपकी गुनाहगार आंखों के सामने? मेरी गुनाहगार आंखों के सामने ये जो बेमहकमा वजारत बता के मेरा भाई जवेद लतीफ इस वक्त बॉस की जैकेट पहन के आपके पान पे फिसल रहा था और फिसल के पुचकारियों में बल्कि गुम हो गया था। ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, ऐसे ही मियां साहब खुद को शरीफ बरादरी नहीं कहते, वो वाकई में शरीफ हैं। अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद ही देखिए। इफ यू लव मी, डू यू लव मी, टेल मी डू यू लव मी, इफ यू लव मी देन आई लव यू टू। खाओ मां कसम। मियां साहब हर जलसे पर सड़कों की बात करते हैं, अब जरा उनकी बनवाई गई सड़कों का हाल भी देखिए। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ओ चूना लगा दिया। दोस्तों, आधी से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम बीपी और शुगर की मरीज है और उनकी इस हालत की वजह भी हमारे काबिल सियासतदान है। हाँ जी, वोट किनु देना वे तुसा? पता नहीं किनु देना, कि शुगर सही होई तो दे आवांगे ना होई। बात तो सही है। दोस्तों, डीजल बाबा कहा करते थे कि ये इमरान खान के लिए जमीन को गर्म कर देंगे और अब ये खुद भी उसी जमीन पर जल रहे हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपके यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। रुको जरा,
सबर करो, मैं जलसे में जा रहा था ना। अच्छा आज मैं नहीं जा सकता जी, आज जलसे में आप नहीं जा सकता। डर गई, डर गई। दोस्तों आजकल शेर अफजल मरवत हर जगह पर छाए हुए हैं, क्योंकि जब भी कोई सहाफी उनसे सवाल पूछता है, ऐसी ऐसी खुफिया बातें थी आपने कान के अंदर खुसर फुसर की उनको। मतलब ये आजकल हमारी कौन सी बात आजाद हो सकती है? हाँ जी, आपके साथ भी खुसर खुसर करूँ, तुम्हारे पीछे भी तीन पड़ जाए। दोस्तों अब नून लीग की पार्टी का ये हाल हो चुका है, क्योंकि हर तरफ से जूते और गालियां खाने के बाद भी ये लोग जलसे करने और कॉन्फिडेंस से वोट मांगने पर बाज नहीं आ रहे। और किसी जगह पर तो वोट कुरान की कस्में लेकर मांगे जा रहे हैं, और कहीं अल्लाह ताला का वास्ता देकर लगता है कि बिलावल जानी ये अल्फाज खुद इन्हें सिखाते हैं। यार ये तो वोट अल्लाह का नाम, जी अल्लाह के नाम से वोट पा दो, तीर लो शेर ने ताडे पेड़े सरक रात से मुंह से तंग। दोस्तों जब दो दोस्त दो अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट करते हैं तो माहौल कुछ ऐसा होता है। मियां नवाज शरीफ, मियांवाज शरीफ। कभी छोटे चेतन खुद को अमीर कहते हैं तो कभी गुरबत का रोना रोते हैं, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी, अब ये खुद को पठान की औलाद कहना शुरू हो गए हैं। ओ भाई मैं पहले पख्तून और पंजाब में पंजाबी हूँ। दोस्तों शायद आपने टीवी पर ये शो नहीं देखा होगा जहां नून लीग वाले रोजाना तैयार होकर बिस्ती करवाने पहुंच जाते हैं कि आपका लीडर फेसबुक के लीडर हैं, चले फेसबुक तक तो लीडर मान लिया ना, आप अपने लीडर का बता दें, सीरी पाए काने के अलावा और क्या काम है। गजब बेइज्जती है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है आपका लीडर, कवल मंडी का पढ़ा है लीडर, नौजवानों की विजन की बात करता है आपकी लीडर की तरह नहीं, कभी सऊदीया भाग जाता है, कभी लंदन भाग जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। किसी भी उल्टे पुल्टे सवाल का जवाब देना खान साहब से बेहतर कोई नहीं जाता, अब इस वीडियो में आप खुद ही देखिए। हमेशा 30 साल से तारा है। आप भी बेगैरत है, और जो आप हैंडलर जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।